वेलकम बैक टू अवर चैनल द कैनेडियन थिंग्स। ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। और हाँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज फॉरेक्स कार्ड, उसके चार्जेस क्या क्या है, और अगर ये सारे चार्जेस से बचना है तो मेरे पास सोल्यूशन है, तो आज मैं उसका सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा कार्ड है और ये ऐसे आया था। और चलो फटाफट से देखते हैं कि इसके अंदर सोल्यूशन है तो उसके अंदर ऐसा कौन सा चीज है कि हमें ये लेना चाहिए या फिर वी कैन काउंट ऑन दैट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली दिस इज नॉट अ फॉरेक्स कार्ड, दिस इज अ डेबिट कार्ड विद 0% फॉरेक्स मार्कअप एंड ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। बट इसमें ये जो लिखा है उसके अंदर वी कैन डायरेक्टली सी दैट कि इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर डेबिट कार्ड आपको मिनिमम 5000 तक आपको क्रेडिट करना रहेगा इनिशियल स्टार्टिंग में। उसके बाद आप एड्रेस डाल सकते हो। ये सब डालने के बाद कार्ड जब आपके घर पर डिलीवर होगा उसके बाद वो 5000 जो आपने डेबिट सॉरी क्रेडिट किए हैं वो आप यूज भी कर सकते हो। अनदर थिंग कि इसके अंदर 0% फॉरेस्ट मार्कअप ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इसकी एप्लीकेशन होगी। इसके अंदर आप अपना पिन भी सेट कर सकते हो रिसेट करने के बाद। उसके बाद एक टैप से आपका कार्ड हाइड हो जाएगा, एक टैप से आपका कार्ड का जो पीछे का जो भी डिटेल होगा वो शो करेगा। ओके, अनदर थिंग है कि उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर आप लाइव करेंसी कन्वर्टर देख सकते हो कि सपोज आप डालते हो कि 1 CAD उसके 1 CAD का INR में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर लाइव कन्वर्टर होगा। उसमें आप अपनी अमाउंट डालेंगे तो आपको सो एंड सो करेंसी कन्वर्टर का जो भी चार्ज होगा वो आपको उसके अंदर दिखेगा। आप उसको एज अ डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, मतलब कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हो उसके अंदर से। तो उसके लिए आपके चार्जेस रहेंगे 100+18 rupees GST। तो जब पर ट्रांजेक्शन आपका चार्ज रहेगा 118 rupees। बाकी सारे के सारे चार्जेस नील है एंड एनुअल डेबिट कार्ड की फीस आपकी लगेगी 499 rupees ओनली। जो कि बहुत सारे अलग चार्जेस थे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उससे तो काफी हद तक इसके चार्जेस बहुत कम है। और रिप्लेसमेंट आपका कार्ड या फिर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है तो उसके लिए 249 rupees अराउंड आपका लिखा हुआ है। यस, वन मोर थिंग, अप टू 5% इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स। यूज कैसे करेंगे इसको? तो जस्ट आपका कोई भी सेविंग या फिर आपका करंट अकाउंट है उसके अंदर से आपको मनी लोड करनी रहेगी। आपका जो भी बैलेंस होगा वो आपके एप्लीकेशन में दिखाएगा। उसके बाद आप उसको ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो या फिर आप वहां पे सेटल होने जा रहे हो, स्टडी पर्पज से जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप उसको जो कंट्री का करेंसी है उससे आप वो करेंसी आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 50,000 rupees INR में ट्रांजेक्शन किया है। ट्रांजेक्शन मतलब कि ये कार्ड के अंदर मैंने लोड किया है 50,000 rupees। उसके बाद अब जब मैं कनाडा जाऊंगी वहां पे अगर मुझे CAD की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगी, वहां का ATM ढूंढूंगी, वो 50,000 जो INR है उसके बाद में जितने कैनेडियन डॉलर उसके ऊपर से करेंसी कन्वर्टर करके देखूंगी और उसके बाद मुझे जितने उसके हिसाब से जितने कैनेडियन डॉलर चाहिए वो मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी। जनरली यही प्रोसेस जब सब यूज करते हैं कि आप आपका कार्ड टॉपअप कर लो, उसके बाद आपका एज अ सेविंग अकाउंट उसके अंदर अमाउंट रहेगा वेन एवर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यू डोंट नीड टू होल्ड, यू डोंट नीड टू कैरी एनी काइंड ऑफ नोट्स, जस्ट यू कैन लोड योर कार्ड, यू कैन टॉपअप योर कार्ड एंड आफ्टर दैट यू कैन विड्रॉ दैट कंट्रीज करेंसी। ओके, सो दिस वॉज द थिंग विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन। वॉज ऑल अबाउट द नियो ग्लोबल कार्ड एंड मैंने जैसे पहले बताया कि ये फॉरेक्स कार्ड नहीं है, दिस इज वन काइंड ऑफ डेबिट कार्ड एंड यू कैन यूज दिस एज अ क्रेडिट। यू कैन डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यू कैन जस्ट स्वाइप एंड यू कैन डू द ट्रांजेक्शन। ओके, एंड यू कैन विड्रॉ द मनी ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट ये बहुत अच्छा है। आई एम फ्लाइंग टू कैनेडा, आई हैव कम अप विद दिस सोल्यूशन। तो ये बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने वीडियो बनाया है। कंटेंट अच्छा लगा हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन put your reviews in the comment section and we'll see in the next video. Next video kya hoga, bahut interesting topic hai, to uske liye stay tuned with me and agar video acha laga ho to like share and subscribe. Milte hain next video mein, till then bye bye, take care of yourself.